जय गणित। आज से हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन 11th क्लास में जो होता है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़े उसके बेसिक्स समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पे जा रहे हैं, जैसे आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखें, ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स grouped together in a particular order, ठीक, generally in point form, ठीक। जैसे हम x कॉमा y लिखते हैं, ठीक है, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक, ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है आपका। ऑर्डर ट्रिपलेट, इसमें पेयर में दो होंगे और ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, सेम डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा, जो उसके पॉइंट फॉर्म, लाइक ये टू डायमेंशनल है, ये थ्री डायमेंशनल है, ये तीन हो जाएंगे। ठीक, ये ट्रिपलेट होगा। ठीक, ओके। अच्छा, इसके बाद देखें कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टीजियन प्रोडक्ट, ठीक, हमारे पास दो सेट्स होते हैं, सपोज ए एंड बी। ठीक, ए लेट कर लीजिए, ए एंड बी सेट्स हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज a cross b is x comma y is such that x belongs to a set and y belongs to b set। मतलब जो ordered pairs होते हैं वो, उसका जो पहला element होता है वो किसको belong करता है, हमारा set a को, और जो दूसरा element है हमारा वो किस set को belong करता है, b को। ठीक, तो इसकी ये डेफिनेशन मेथड हो गया। अगर हम वो ऑर्डर्ड पेयर की लिस्ट बना दें तो इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी, वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक, ये कौन सी फॉर्म है इसकी, डेफिनेशन या सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, फॉर रोस्टर फॉर्म, यू नो एज यूजुअल, जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था, we write list of ordered pairs। ठीक, हम ordered pair की list बना देते हैं, a cross b, जो भी आपके favorable ordered pair होंगे वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, जैसे वही x1 y1, x2 y2 वगैरह वगैरह, ऐसे आपके होंगे x1 y1, जो भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर यहाँ इसको बिलोंग करेंगे वो हम लिख देंगे। ठीक, सही, रोस्टर फॉर्म हो गई ये वाली। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है आपने, इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो होता है आपका ए क्रॉस बी, अगर मैं इसको बी क्रॉस ए करूँगा तो मैपिंग एक तरीके से उल्टी हो जाएगी। वहाँ उस स्थिति में क्या होगा कि जो वाई कॉमा एक्स होगा, वाई सेट ए का बिलोंगर होगा और आपका एक्स होगा किसका बिलोंगर, बी का। थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। ठीक, ओके। सो जनरली अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जनरली ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक, और सेल्फ मैपिंग भी करेंगे हम, ए क्रॉस ए वगैरह जो है वो आपके बराबर होगी। ठीक, तो अभी फिलहाल ये देखें कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लिखें, दिख रहा है ना वैसे। हाँ, अगर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूँ, ये एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है। ठीक, जो भी होगा, एन बी होगा नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अच्छा, एन जो होगा ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये होगा। तो ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा एक फैक्ट है
एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इन टू एन बी। अभी मैं ये सब वेरीफाई करके दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक? ओके, तो ये ज़रा नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके बाद, ठीक है ना? ये एक बार नोटिंग कर लीजिए इसकी फटाफट। तो सबसे पहला टारगेट हमारा है कार्टिजन प्रोडक्ट को सीखना, और उसके रिगार्डिंग थोड़े से जो पॉइंट एक आध और भी है वो भी लिख लो हाथ की याद। अगर ए क्रॉस फाई होगा, ये याद रखना है आपने, मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट किसी भी सेट की नल सेट के साथ होगी तो वो नल सेट ही होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट है, उसकी कार्टिजन प्रोडक्ट किसी भी सेट के साथ कर दो तो क्या आएगा? जीरो एलिमेंट मीन्स फाई तो आएगा, ठीक? तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ये आपने नोट करा। फिर मैं तीन वाला और करा दूँ कार्टिजन प्रोडक्ट का जो है, ठीक? ये ऑर्डर्ड पेयर आया उसमें तीन आ जाएंगे बस, ठीक? तो ये नीचे से मिटा रहा हूँ मैं। अगर कार्टिजन प्रोडक्ट मैं तीन की करूँ, उसकी डेफिनेशन लिखूँ, तो उसमें कितने सेट्स अवेलेबल होंगे हमारे पास? जो हैं थ्री सेट्स अवेलेबल होंगे, ठीक? तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसके लिए हमने ये लिखना है। जैसे सपोज करो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ठीक? तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा हमारा कि एक्स वाई जेड, ठीक? उसमें एक्स बिलोंग करेगा ए को और वाई बिलोंग करेगा बी को, एंड जेड किसको बिलोंग करेगा? सी को, ठीक? ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, सही है? जैसे भाई सेम उसी तरीके की डेफिनेशन है हमारी, ठीक? इसके ऑर्डर्ड पेयर की लिस्ट सेट सॉरी ट्रिपलेट्स की लिस्ट बनाएंगे तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक? सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। एक पॉइंट ये और लिखें, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल रखते हैं हम, सपोज इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल then their corresponding, दिख रहा है ना, corresponding है लास्ट में, elements are equal, ठीक? तो भाई इसके regarding जब हम और questions करेंगे, अभी अब ऐसा करें आप 11th class की book का page number मुझे भी निकालना है, सॉरी मैं अभी ढूंढ लूँ, निकालें पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 है, एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2.1, ठीक? इसी के बेस पे ही एक्सरसाइज, ठीक? तो आप देखें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, हमने अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कार्टिजन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर ऑर्डर ट्रिपलेट, उस पर ही पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन है, ठीक? तो बस थोड़ा सा सेट्स का थोड़ा सा क्या सेट्स हमने पढ़ रखा है, सेट्स की जानकारी होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर वन कहता है इफ एक्स बाय थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री कॉमा वन बाय थ्री फाइंड एक्स एंड वाई। तो अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है ये बात, यदि दो ऑर्डर पेयर्स या ऑर्डर ट्रिपलेट्स इक्वल होती हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं हमारे? इक्वल। सो दैट ये लाइन यहाँ पर आपने राइट करनी है यहाँ पर, ठीक? ठीक है, इम्प्लाइज फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख दो 5/3 के और सेकेंड एलिमेंट 1/3 के बराबर रख दो, ड्यू टू दिस रीज़न कि जब भी कभी दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट फर्स्ट के बराबर हो जाता है, सेकंड सेकंड के बराबर हो जाता है, ओके? यहाँ से हम एक्स बाय थ्री मतलब एक्स की वैल्यू कंप्यूट कर देंगे, सो इट विल बी 3-3 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 आती हुई दिखाई दे रही है, 3-3 यहाँ से कट जाएगा। अच्छा, वाई की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है, दिस इज़ हेयर दिस इज़ 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक? तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक?
क्वेश्चन नंबर टू को फटाफट पढ़ें. इफ द सेट हैज़ ए सेट हैज़ थ्री एलिमेंट्स, दैट मीन्स एन ए इज़ वॉट थ्री. इसका जो एन ए है वो हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, ट्रांसलेट करते जाइए. बी है आपका 3 4 5. तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, इसका कार्डिनल नंबर हमारा ये भी थ्री हुआ. अभी कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस. मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट जब समझा रहा था तब भी बताया था, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने बताने हैं. तो भाई आपको भी बताया, बिकॉज कार्डिनल नंबर जो कार्टिजियन प्रोडक्ट का होता है वो इंडिविजुअल सेट्स की मल्टीप्लिकेशन के, कार्डिनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. सो थ्री यहाँ है, थ्री यहाँ है, तो नाइन इज़ द आंसर. ठीक, जो एन आपका कार्टिजियन प्रोडक्ट जो होगा उसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर पाए जाएंगे, यहाँ पर नाइन पाए जाएंगे. ठीक, ओके, नाइन इज़ द आंसर. अच्छा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, यदि जी की वैल्यू है 7 8 और भाई एच दे रखा है आपका 5 4 2. फाइंड करना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी. तो भाई जी क्रॉस एच हम जब निकालेंगे तो हमारी जो कार्टिजन प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी जी से एच की ओर जाएगी. तो जी से एच की ओर एक तरीके से मैपिंग जब हम करेंगे तो ये 7 5 4 2 सबके साथ आपका ऑर्डर पेयर बनाने वाला है. तो 7 उसके बाद फिर 8 भी इन सब के साथ मैपिंग बनाने वाला है. तो 7 5 ऑर्डर पेयर बना रहा है, 7 5 7 4 और 7 कितना आपका 2. ओके अच्छा नेक्स्ट कॉमा जो है 8 कॉमा 5, 8 कॉमा 4 और 8 कॉमा 2. ये थोड़ा ऐसा करें, एक एक करके ही कर दूँ, ये पूरी लिस्ट यहीं बना दूँ, अच्छा सा नहीं लग रहा. सो नेक्स्ट है 8 कॉमा 5 और 8 कॉमा 4 और 8 कॉमा 2. ठीक, ये आपका जी क्रॉस एच आ गया और एन इसका देखें क्रॉस टैली कराता चलूँ ये कितना आ रहा, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है. और वैसे भी जांच करा दूं जी का, आपका कार्डिनल नंबर 2 है, इसका 3 है, तो 2 3 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अच्छा एच क्रॉस जी करें आप, अब एच से जी की ओर मूव करना है. ठीक, तो अभी चलते हैं, देखें एच है 5 4 2, पहले 5 7 5 8. ओके अब आप एच से किधर की तरफ मूव कर गए हैं, 5 7 5 8. ओके देन 4 7 एंड 4 8, पहले एच का एलिमेंट आएगा फिर किसका आएगा, आपका जी का, फॉर एच क्रॉस जी. अच्छा 4 8 हो गया, फिर आपका 2 7 आएगा और फिर आपका 2 8 आएगा. ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से, ये और ये में क्या डिफरेंस है, यहाँ 7 5 है 7 5, तो यहाँ 5 7, ये बराबर थोड़ी है कोई. सो क्लियरली आपका जी क्रॉस एच इज नॉट सेम एज एच क्रॉस जी. मैंने आपको ये लिखवाया था, जनरली ऐसा होगा. ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्टेट ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है. वैसे स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीड एट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली. ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट कॉपी कर रहा हूँ. इफ पी दे रखा है, मैं क्वेश्चन कॉपी इसलिए करता हूँ कि आपको मैं साक्षात दिखा सकूँ ये क्या कह रहा है और क्या ये मतलब जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, और हम उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सामने होता है तो हम बता सकते हैं उसके बारे में जो है. ठीक, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, हाउ यू डू एंड व्हाई यू डू, इसी पे पूरा गणित है. तो क्वेश्चन की ब्रीफिंग ज़रूर लिखें या शॉर्ट में अपने लिख लें क्वेश्चन करने से पहले कि भई ये ब्रीफिंग है. तो ये कहता है कि जो आपका ये पी है ये क्यू है, तो पी क्रॉस क्यू ये होगा.
अब देखें इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें दो एलिमेंट तो देखा जाए तो दो दूनी चार मीन्स टू टू ज़ा फोर होने चाहिए आपके जो ऑर्डर पेयर बनेंगी उसकी संख्या। अब ये देखें एम एन है, एम एम गायब है, एन एन गायब है, एन एम है, तो इसमें एक तरीके से क्या है मिसिंग है ना, इसमें टू इसमें टू, तो एन पी क्रॉस क्यू शुड फोर होना चाहिए, बिकॉज एन पी क्रॉस क्यू इज़ एन पी इन टू एन क्यू। और व्हाट इज एन पी, एन पी यहाँ लिख दें टू है, ठीक है, एन क्यू क्या है हमारा, ये भी टू है, इट इज़ टू टू ज़ा फोर। सो बट जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, ज़रा ध्यान से देखें, जो दे रखा है इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर देखें तो इट इज़ एन पी क्रॉस क्यू इज़ द टू, ये फोर होना चाहिए, ठीक, तो देयर फोर क्या है, एन पी क्रॉस क्यू शुड बी फोर नॉट टू, देयर फोर फॉल्स, ठीक, करेक्ट है ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद वो कहता है ट्रू करो, तो फोर पूरा कर दो इसको, जो है जो मिसिंग्स हैं वो करेक्ट जो है वो मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें देखें मिसिंग कौन कौन से हैं उनको मैं राइट डाउन कर दूंगा, जो थे वो तो थे ही, एम से एन की ओर, फिर एम 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 एम, ठीक, फिर एन से चलो एन और एन से एम, ठीक, सो मूवमेंट पी से क्यू की ओर होनी चाहिए, तो एन कॉमा एन और एन कॉमा एम, तो दिस शुड बी करेक्ट, ठीक। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, सेकंड है, ये कहता है इफ़ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए एंड बी नॉन एम्प्टी, इसका मतलब फाई नहीं है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक, ये बात भी ठीक है, देन ए क्रॉस बी इज़ नॉन एम्प्टी, अभी तक यहाँ तक बिल्कुल सही लिख रहा है, अभी तक ट्रू चल रहा है। अब कहता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड वाई बिलोंग करेगा बी को, तो वो ही कार्टिजन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का बिलोंगर होता है और बी सेट का बिलोंगर कौन होता है, सेकेंड एलिमेंट, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट ए का सेकेंड एलिमेंट बी का होता है, ये तो डेफिनेशन ही है हमारी, सो इट इज़ वॉट ट्रू, ओके, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वॉट आपका कार्टिजन प्रोडक्ट, ठीक। एंड नाउ थर्ड पार्ट दिख रहा है ना बच्चों को, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम फिर देखेंगे कि ऊपर का मिटा देंगे, ठीक, अभी तो ऐसे ही लिख लो। ये कहता है इफ ए सेट है वन टू, अच्छा बी सेट है थ्री फोर, फिर कहता है देन फाइंड करना है, दे रखा है वैसे फाइंड नहीं करना, ए क्रॉस बी एंड व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ फाई इज द फाई, ये वैसे बिल्कुल ठीक है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ए कार्टिजन प्रोडक्ट किसी की भी नल सेट के साथ करोगे तो आंसर नल सेट आएगा। अब यू नो बी और फाई में व्हाट कॉमन, आपका भाई फाई कॉमन, ठीक, बिकॉज एक्स इंटरसेक्शन फाई मतलब फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या आएगा, फाई आएगा, तो दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस फाई हो गया इस पूरे बी इंटरसेक्शन की जगह, ठीक, एल एच एस से चल रहा हूँ मैं सपोज जो है, और ये क्रॉस फाई हमेशा फाई होता है, ठीक, तो देयर फोर इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, हैंस ट्रू, ठीक, मतलब हमारे को ये बताना है कि ये चीज़ हमारी फाई होती है, तो दोबारा एक बार समझो, बी इंटरसेक्शन फाई फाई होगा और ए क्रॉस फाई हमेशा क्या होता है, फाई ही होता है, दैट्स वाई दिस थिंग इज़ फाई, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। सो आई होप ये तीनों पार्ट कॉपी कर लीजिए, तो रिवाइंड करके इसको दोबारा पढ़ें, ठीक,
और पॉज कर करके नोट डाउन कर लें इफ रिक्वायर्ड। ठीक, सो देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है इफ ए की वैल्यू है, आपका दे रखा है इसमें ए इज इक्वल्स टू माइनस वन वन, एंड फाइंड करने को कहता है ए क्रॉस ए क्रॉस ए करो। तो वैसे आप बताएं, अभी हमने करा था एन ए क्रॉस बी इज एन ए इंटू एन बी होता है। सिमिलरली एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या होगा, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। ठीक, एंड सिमिलरली लिख दूँ, सिमिलरली एन ए क्रॉस ए बी लिख लो क्रॉस सी इज एन ए एन बी और एन सी होगा। ठीक, तो हियर व्हाट यू हैव, ए ए ए ही है ना, तो भाई ये आपका क्या होगा एन ए क्रॉस ए कार्टिजन प्रोडक्ट। तो एन ए का क्या हो जाना है यहाँ पर, क्यूब हो जाना है। ओके, सो व्हाट एन ए यू हैव हियर, एन ए इज व्हाट, टू टू है ना भाई, दो एलिमेंट हैं इसके अंदर विद्यमान, तो यहाँ टू की क्यूब हो गया तो एट आ गया। दैट मीन्स ए क्रॉस ए जो हमें रिक्वायर्ड है उसके अंदर कितने एलिमेंटों की संख्या होगी हमारी, एट एलिमेंट्स की। ठीक, अच्छा इसको करने का फैशन ये है कि पहले ए क्रॉस ए कर लो आराम से। ठीक, ए की मैपिंग ए के साथ ही कर लो, तो मन में लिख लो ए को एक बार और यहाँ लिखा हुआ है सपोज, तो माइनस वन से माइनस वन वन से। ठीक, दो बार ए लिख के कर लो चाहे, माइनस वन और माइनस वन। ठीक, पहले माइनस वन की मैपिंग कर लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, देखो दिक्कत गणित में ना आए, इसी को दो बार लिख लो। अगर विजुलाइजेशन में दिक्कत महसूस कर रहे हो तो ए और ए दो बार लिख लो। अब इस माइनस वन से आपका ये माइनस वन और वन होगा। ठीक, और फिर इसके बाद इस वन से ये माइनस वन और वन होगा, तो भाई वन कॉमा माइनस वन एंड वन कॉमा वन। ठीक, सो अल्टीमेटली आपके चार एलिमेंट आ गए हैं इसके ऑर्डर पेयर जो हैं। ठीक, अब ए क्रॉस ए और कर दो, मतलब इसको और इसको देखो अब, तो माइनस वन पहले इस ऑर्डर पेयर के साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे मूव कर लो। ठीक, तो इट शुड बी व्हाट, माइनस वन, अब ये ट्रिपलेट बनने जा रहा है क्योंकि अब भाई थ्री डायमेंशनल हो गया ना एक तरीके से, तो माइनस वन, अच्छा फिर माइनस वन इसके साथ होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस वन वन, फिर माइनस वन वन और माइनस वन, फिर माइनस वन वन और वन। अभी तो केवल माइनस वन के साथ इन सारों को लिया मैंने, अब वन के साथ लो इन्हीं सबको, तो वन माइनस वन फिर वन माइन, अब वन उधर का लेके सबके साथ ले रहा हूँ शुरू में, वन माइनस वन वन, फिर वन पहले आएगा और फिर ये दो एलिमेंट लिख दो वन और माइनस वन, और फिर वन और फिर ये वन वन, काउंट करें ये टोटल आपके एट हैं कि नहीं। एन ए क्रॉस ए बेसिकली यही हमारा ए क्रॉस ए ही है, ऐसे रीराइट कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आपका एट आ रहा है, वेरीफाई हो गया, ज़रूर लिखना जिससे थोड़ा इम्प्रेशन पड़ता है, आपको पहले ही बताया गया आठ आएंगे एट आएंगे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसके बाद, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्या कहता है देखें, सिक्स्थ कहता है इफ ए क्रॉस बी आपको प्रोवाइडेड है, ये कहता है ए क्रॉस बी में ए एक्स, फिर कहता है ए वाई, फिर कहता है बी एक्स, और फिर कहता है बी वाई। ठीक है,
फिर कहता है फाइंड ए एंड बी, अच्छा आप ही कार्टिजियन प्रोडक्ट जानते हैं ए क्रॉस बी में आपका जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करता है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट क्या होगा बी से बिलोंग करेगा, तो इसमें हर एक फर्स्ट किसका है आपका ए का ना, तो ए सेट ऐसे ड्राइव हो गया। और सेट थ्योरी में आप जानते हैं कि एलिमेंट्स ना रिपीट हो सकते, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉमे के साथ लिखते हैं तो ए ए दो बार आ रहा है लेकिन हम लिखेंगे एक ही बार उसे, बी भी दो बार आ रहा है एक बार, तो सेट ए का पता लगा लिया हमने। सिमिलर वे में ज़रा बी देखें, बी कौन से एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर पेयर के, बी बाद में है ना, तो सेकंड सेकंड की कैटेगरी बना लो, रिपीट करना मत और ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक ये हमने, तो लिखना चाहो लिख दो, इन ए क्रॉस बी ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स मस्ट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट्स मस्ट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक ये इसका एक वन लाइनर किलर लॉजिक है जिसे तुम्हें ध्यान रखना है, इट्स ओके। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ओवर हो गया, अब हम 7 पे आते हैं, ठीक 7 भी थोड़ा सा बड़ा है तो मैं मिटा के ही करूँ उसको, ठीक है तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा हमारा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेट है ए सेट आपको प्रोवाइडेड है 1 2, अच्छा बी सेट भी दे रखा है आपको, बी सेट है 1 2 3 4 और सी सेट है वो भी प्रोवाइडेड है 5 6, ठीक और ये 6 है एंड डी सेट है, दिख रहा है ना बच्चों को, ऐसे तो आपके पास बुक है लेकिन मैं क्वेश्चन जब तक मेरे सामने ना हो तो मेरे लिए बेकार रहता है, मैं क्या जवाब दूँ, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ देखो क्या पूछ रहा है ये, ठीक है अच्छा वेरीफाई फर्स्ट पार्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आप याद करें ये हमने वो करा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है लाइक उसके जैसे दिस इससे फिर बीच में इंटरसेक्शन आएगा दिस इससे, वही है। अच्छा सेकंड पार्ट क्या कहता है वेरीफाई करने को, ये कहता है अच्छा अच्छा है ए क्रॉस सी है सेकंड पार्ट इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, इसके दो पार्ट्स हमने दिखाने, ठीक मतलब दो क्वेश्चंस हैं हमारे जिनको हमें करना है। तो देखें पहले फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फर्स्ट पार्ट के लिए व्हाट व्हाट यू रिक्वायर, बी इंटरसेक्शन सी आपको चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी को चेक करें कौन कौन कॉमन है इसमें, बी इंटरसेक्शन सी, अरे बी और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ज़रा ध्यान से देखें हाँ कुछ भी नहीं है तो कॉमन 5 आ गया, सो दिस इम्प्लाइज एल एच एस पार्ट आपका जो इस फर्स्ट केस का है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी विल बिकम ए क्रॉस 5 एंड यू नो कार्टिजन प्रोडक्ट किसी की भी आपकी नल सेट के साथ होती है तो वो नल सेट ही आता है, दिस इज नंबर 1। अच्छा राइट हैंड साइड पे आते हैं, ये तो वही एल एच एस हमारी जो है, आर एच एस के लिए हमें क्या चाहिए, दो इंग्रेडिएंट चाहिए ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी को जरा देखें ए से बी की तरफ मूवमेंट तो 1 1 ठीक 1 2 फिर 1 3 1 से सबको ले रहा हूँ और फिर 2 से ए के 2 से सबको लूँगा,
तो 1 4 फिर 2 1 और फिर 2 2 और फिर 2 3 और फिर 2 4 लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना बच्चों को 2 4 है ये लास्ट ठीक अच्छा अब चाहिए हमें राइट हैंड साइड के लिए ए क्रॉस सी भी चाहिए तो ए क्रॉस सी जो होगा ए से सी की मूवमेंट ए है 1 2 सी है 5 6 सो भाई 1 5 1 6 फिर 2 5 एंड 2 6 अब आप खुद देखें इस पूरी लिस्ट में इन दोनों में ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ और यहाँ में नथिंग कॉमन कुछ है ही नहीं कॉमन सो क्लियरली है ए क्रॉस बी में और भाई आपका ए क्रॉस सी में कुछ भी कॉमन नहीं है दिस इज नंबर टू 1 बराबर 2 हो गया देयरफोर आपका फर्स्ट पार्ट में कॉपी कर रहा हूँ हैंस वेरी फाइट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आपकी वेरिफिकेशन इसकी हो गई ध्यान से कॉपी कर लें फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर अच्छा सेकंड पार्ट पे हमें क्या क्या डिमांड है ए क्रॉस सी शुक्र ए क्रॉस सी फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया बी क्रॉस डी और करना बाकी है तो भाई मैं ए क्रॉस सी छोड़ के सब मिटा रहा हूँ ठीक फॉर द सेकंड पार्ट और फिर देखेंगे कि वो क्या कहता है प्रूफ करने के लिए सेकंड को उसको फिर वर्किंग कर देंगे उसकी जो है तो भाई सेकंड पार्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपका फॉर द सेकंड पार्ट दिस अब मुझे बताएं बी क्रॉस डी भी करना है बाकी है बी ये है डी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या होगा 1 5 1 6 1 7 1 8 2 3 2 sorry 2 3 नहीं होगा 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 and 4 5 4 6 4 7 4 8 ऐसे मूवमेंट होगा नहीं सो दिस इज 1 5 and 1 6 ठीक और भाई 1 7 और भाई 1 8 फिर 2 2 5 2 6 2 7 and 2 8 फिर नंबर नेक्स्ट का 3 5 3 6 3 7 3 8 फिर नेक्स्ट 4 5 4 6 4 7 और 4 8 ठीक ये बी क्रॉस डी आ गया अब आप खुद देखो अगर मुझे साबित करना है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट आपके बी क्रॉस डी में हो 1 5 ये रहा 1 6 ये रहा 2 5 सर्च करें कहाँ रहा ये रहा 2 5 ये 2 और कॉमा 5 नहीं दिन से दिख रहा तो मैं इसको ढंग से दिखा दूँ और कौन सा है 2 6 इसके बाजू में ही बैठा है ये 2 6 देखो ठीक है तो ये चार एलिमेंट ध्यान से देखें 1 5 ये रहा 1 6 ये रहा 2 5 ये रहा 2 6 ये रहा तो ए क्रॉस सी जो सेट हमारा बना वो बी क्रॉस डी के आपके सेट के अंदर प्रेजेंट है सो बिकॉज ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ एलिमेंट नहीं बोलना कार्टिजन प्रोडक्ट है ना ऑफ ए क्रॉस सी आर प्रेजेंट इन कार्टिजन प्रोडक्ट बी क्रॉस डी देयरफोर ए क्रॉस सी का जो सेट है दैट इज व्हाट हो जाएगा बी क्रॉस डी का सबसेट एंड हैंस ठीक सो उसको नोट कर लीजिए फिर हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं ठीक तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ध्यान से चेक कर लीजिए एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है
इसको राइट करें पहले। एट क्वेश्चन कहता है ए और बी सेट दे रखे हैं, ए क्रॉस बी के कितने आपके वो होंगे, आपके एलिमेंट ए क्रॉस बी के हाउ मनी इसके सबसेट्स होंगे, ठीक, ए क्रॉस बी की उसकी लिस्ट भी बनानी है। तो भाई थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया ये, तो क्वेश्चन नंबर एट आपका लेट ए प्रोवाइडेड है 1 2 और बी सेट प्रोवाइडेड है 3 4। कहता है ए क्रॉस बी लिखो, ठीक है भाई लिख देंगे ये तो। फिर कहता है हाउ मैनी सबसेट, पहला पार्ट तो ये हो गया। फिर कहता है भाई हाउ मैनी सबसेट्स, मतलब इसके हाउ मैनी सबसेट्स होंगे, हाउ मैनी सबसेट्स एंड ऑल्सो राइट दैम, लिस्ट दैम। तो भाई पूरे ही करना पड़ेगा, लिस्ट दैम ऑल्सो, मतलब तीन प्रश्न हुए इस सवाल में। तो पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी बताएं क्या क्या होगा। ए से बी की ओर मूवमेंट 1 3 1 4 2 3 2 4, सो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 इज द ए क्रॉस बी फर्स्ट हो गया, ठीक। अब बिकॉज नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट इन ए क्रॉस बी कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर n टाइम्स ए क्रॉस बी। अच्छा ये रिजल्ट मैंने कैसे लिखा, याद करो सेट्स में मैंने आपको लिखवा रखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n होता है। वहाँ आपका n क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, लेकिन यहाँ क्या हमारा ए क्रॉस बी है, तो हम एन ए क्रॉस बी निकाल भी सकते हैं, एक रिजल्ट होता है। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर एन ए क्रॉस बी निकालने का मेथड, और वैसे ऊपर निकाल रही है, यहाँ से मैं डायरेक्ट दिखा भी दूँ, निकला भाई ये तो गणित है कैसे ही कर लो, इट इज़ 4 और नॉट, काउंट करके देखें 1 2 3 4, ठीक ओके। वैसे ये एक रिजल्ट होता है, उससे वेरीफाई भी हो रहा है, 2 इसमें 2 इसमें 2 2 4, ठीक, ये इसकी वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम जो सेट्स में हमने पढ़ा था टोटल नंबर सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, जो n था वो वहाँ पे उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो बताता है, यहाँ a क्रॉस b में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो बताता है, तरीका वही, ठीक। सो देयर फोर टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा इज 2 की पावर व्हाट 4, एंड दैट इज़ व्हाट 60। ये हो गया, अब लिस्ट बनाने का है। इसमें लिस्ट जो बनेगी टोटल नंबर ऑफ सबसेट की, वो बना रहा हूँ पावर सेट जिसे कहते हैं, पी ऑफ ए क्रॉस बी बनेगा। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, पहले तो फाई लिख दो, फाई और इट सेल्फ तो लिखना ही लिखना है, ठीक। पहले इसमें क्या करें, एक एक एलिमेंट लो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ देखो 1 3, ठीक है, और ये क्लोज कर दो ब्रैकेट, एक एक का सेट लो ऑर्डर पेयर का 1 4, फिर 2 3 और फिर आपका 2 4, ठीक। फाइल लिया, एक एक एलिमेंट ले लिया, अब दो दो के सेट लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक। आपका देखें 1 3 और मैं ले रहा हूँ 1 4, 1 3 एंड 1 4, ये स्टाइल से चलो, पहले 1 3 दो दो के सेट ले रहा हूँ, 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4, ऐसे बना, तो जिससे ना भूल नहीं पाएंगे हम, गड़बड़ नहीं होगी, 2 3, ठीक। और फिर 1 4 के साथ एक रह गया है 2 4, ठीक, दो दो के सेट बन गए इसके, अभी तो इससे 1 3 से बने, अब 1 4 2 3 बनाओ, पहले तो 1 4 से बन, 1 3 से बना दी जितने भी बन सकते थे, अब 1 4 से बनाएंगे आगे के, अब पीछे मत लिखना ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं, 1 4 1 3 2 3 हुआ एंड अब 1 4 और 2 4 ले लो,
तरीका याद रखना इसका जो है 2 और 4, और ब्रैकेट बंद। अब 1 4 को इसके इसके साथ लिया, नाउ 2 3 2 4, 2 2 के ख़त्म हो गए। तो देखें 2 3 एंड 2 4, अच्छा 2 3 2 4, ये 2 वाले सब ख़त्म हो गए हमारे। ठीक, अब आते हैं 3 3 के सेट पर। 3 3 के बनेंगे 1 2 3, पहले बनाओ 1 3 2 1 3 2 1 4, शाही ज़्यादा फैल जाती है इसमें जो है, 1 4 और 2 3, ये आ गया। अब दूसरा सेट 3 का क्या बन सकता है, 3 के ना 4 केस बनेंगे। पहले 2 3, पहले 3 ले लिए, अब इस पहले वाले को लो, दूसरे वाले को लो और 2 4 ले लो। स्टाइल से चलना पड़ता है इसमें ना। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है आपकी इस एक्सरसाइज का। एक शायद और होगा बस, मतलब वैसे बढ़िया क्वेश्चनों में ये एक है। ये सब हुआ, पहले 2 को हमने लिया इसके इसके साथ, अब इसको पहले को भूल जाओ, अब इसको लो, लास्ट 3 वालों को लो। ठीक, तो लास्ट 3 वाले हुए 1 4, 2 3 और 2 4। अच्छा एक रह गया, दिस फर्स्ट थर्ड फोर, देखो कहीं नहीं हुआ ना। हाँ तो ये 4 बनते हैं ना सेट इसके, 1 3। स्टाइल से चलो, अभी और बताता हूँ कैसे मैंने पिक करा। ये जो मिस था, मतलब आपका मिस नहीं होना चाहिए आपका, ये जो है मिस हुआ तो सवाल तो देखो मैथ्स में 0 और हीरो का ही तो गेम है, ध्यान रखना पड़ता है। तरीका समझ लो, 3 के पहले 3 ले लो, फिर पहले 2 लेके चौथा ले लो, 3 हो गए, फिर लास्ट 3 ले लो, फिर पहला तीसरा चौथा ले लो, आपका हो गया। अब लास्ट जो बचा है हमारा, वो आपका बचा है जो सेट था ए क्रॉस बी का, उसी को उठा के लिख दो आप। दैट मीन्स ये 1 3 पूरा ही लिख दो आप, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब ज़रा गिन के देख लो, हिम्मत करके, इतना बड़ा सवाल था, कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। 16 कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बहुत बढ़िया लगा, 16 आपके केस बन रहे हैं ना, इनको ध्यान से देखें। एक है, ये 2 है, 3, एक एक के सेट ले रखे हमने, 3 4 5 केस हो गए पहली लाइन में, फिर ये सेट यहाँ से यहाँ, तो ये छठा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितनी खुशी होती है उसे, नहीं तो एक बार अपने आप ज़रूर लिख लेना, नहीं तो पेपर में डायरेक्ट आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अब लिखें 9th सवाल। ठीक, 9th क्वेश्चन कहता है, लेट ए एंड बी आपके 2 सेट्स हैं। ठीक, ए और बी 2 सेट्स हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एन ए तो है 2 3 और एन बी जो है वो है 2, और इफ़ कुछ ऑर्डर पेयर आपको दे रखे हैं, y2 और आपका z आपका 1, ये आपको दे रखा है r इन a क्रॉस b। अब कहता है फाइंड करना है a b वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट,
डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है मैथ्स में या वैसे भी अंग्रेजी में, इस डिस्टिंक्ट का मतलब मैथ्स में बहुत बार आता है, इसका मतलब हमेशा क्या माने, डिफरेंट। ठीक, अब ये बताएं कि जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो रहे हैं आपके, ये ए क्रॉस बी में, तो डेफिनेट है कि जो फर्स्ट 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 एलिमेंट होंगे वो सेट ए के बिलोंगर होंगे, सेकंड 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 एलिमेंट जो होंगे कौन से सेट के बिलोंगर होंगे, बी के। तो ये पहले एलिमेंट देखें, एक्स है, वाई है और जेड है, ये बिलोंगर होगा ए के। और सेकंड एंट्री क्या क्या है इसमें, वन टू एंड वन, तो अल्टीमेट वन और टू हो गए, वो कौन से सेट के बिलोंगर हो गए हमारे, बी के। और वही कार्डिनल नंबर्स गिवन है कि नहीं। ये थोड़ा सा रीज़न लिख दो, बिकॉज ऑल फर्स्ट एंट्रीज आर फ्रॉम सेट ए, ठीक, एंड ऑल सेकेंड एंट्रीज जो हैं आर फ्रॉम सेट बी। सो यहाँ ए सेट निकल के आ रहा है आपका, ए सेट में एक्स वाई जेड आ रहा है, और यहाँ से हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि इसका कार्डिनल नंबर कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है ना, और कार्डिनल नंबर ए का क्या दे रखा है, थ्री, तो हम सेटिस्फाइड हो गए नहीं। अच्छा, बी कितना है, बी है आपका वन टू वन, मतलब वन टू, सेट में रिपीटेशन होती नहीं, तो इसका कार्डिनल नंबर टू है, टू ही दे रखा है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक, ओके, तो हमसे पूछा था इसने फाइंड ए एंड बी, तो हमने ए और बी यहाँ फाइंड कर लिया। ठीक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, पन्ना पलट लें, पन्ना पलट के देखें और क्वेश्चन पढ़ें, मेरे को तो लिखना भी पड़ेगा तो मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, कार्टिजन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, इसके 9 एलिमेंट हैं, मतलब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, विच फाउंड -1 0, सम ऑर्डर्ड पेयर आपके जो हैं उसमें से ये आपको दे रखे हैं, एंड 0 और 1 है। कहता है ए सेट बताएं क्या होगा, सेट ए बताएं एंड फाइंड रिमेनिंग ऑफ ए क्रॉस ए। ये यहाँ तक क्वेश्चन नोट करा है मैंने अपने लिए, कि वो बुक में तो अंग्रेजी भाषा में लिखा है, मैं मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर लिया इसको, वो भाई ये क्या दे रखा है, तो बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आपके ये दो एलिमेंट स्पेसिफाइड कर रखे हैं इसने। ठीक, अब जो ए क्रॉस ए होगा, इन ए क्रॉस ए, ये एक फैक्ट है, ऑल एलिमेंट्स आर फ्रॉम व्हाट सेट, सो देयर फोर ये जो एलिमेंट दे रखे हैं इनके डिस्टिंक्ट देख लो क्या क्या है आपके पास, -1 0 और 1, और आपका ये ए सेट का निर्माण जो है, अभी एक थोड़ा सा मेरे को और कंफर्म करना पड़ेगा, ये ए सेट का जस्ट जो होता है ना, सेट ए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक मिनट रुको, ये अभी फिर लिखूँगा क्योंकि ये ना कंफर्म थ्री नहीं है ये, ठीक, यही भाषा लिखूँगा, बट एक थोड़ा सा हम जल्दी आ गए, थोड़ा सा इस पे आए, एन ए क्रॉस ए इज व्हाट 9 गिवन, और बिकॉज एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ए इंटू एन बी, ये होता है। सो दिस थ्योरी के मुताबिक ये क्या होना चाहिए, एन ए इंटू एन ए इज 9, सो एन ए का जो स्क्वायर है वो 3 स्क्वायर हो गया, और दिस इम्प्लाइज कर गया जो एन ए है वो कितना आ गया, 3। रिजेक्ट द नेगेटिव, क्योंकि कार्डिनल नंबर नेगेटिव नहीं होता, यहाँ लिख दें रिजेक्ट नेगेटिव,
क्योंकि आएगा तो ये प्लस माइनस थ्री, माइनस थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो नहीं सकते, तो उसे ड्रॉप करा। इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज इन सेट ए वी हैव थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर रिपीटेशन तो तीन, एंड गिवन सम पार्ट ऑफ योर कार्टिजन प्रोडक्ट माइनस वन जीरो एंड जीरो वन, और ऑल्सो लिखें ऑल्सो इन ए क्रॉस ए ऑल एलिमेंट्स मस्ट बिलोंग्स टू सेट ए, कि नहीं सेट ए के बिलोंगर होने चाहिए वो जो है। सो हमें तीन एलिमेंट ढूंढने हैं सेट के, हमें पता लग चुका है ए सेट में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, तीन। तो ए सेट के तीन एलिमेंट इनमें ढूंढो आप, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो किसके हैं, ए के, क्योंकि ए क्रॉस ए सॉल्व करा है ना आपने, ए क्रॉस ए में जो कुछ होगा वो सेट ए से है। तो इसमें माइनस वन में दिखाई दे रहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और जीरो दो बार है लेकिन एक बार लें, ये तीन एलिमेंट आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और कार्डिनल नंबर हमने अभी क्या निकाला है इसका, थ्री। तो देयरफोर बिकॉज एन ए इज थ्री, देयरफोर सेट ए जो हमने निकाला वो बिल्कुल ठीक निकला, इज करेक्ट, ये करेक्ट हो गया मतलब, ठीक। अब देखें कुछ और पूछा है इसने, रिमेनिंग और पूछा है, आप पहले ये नोट कर लो फिर मैं इसके ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट लिख दूँ इन दो को छोड़ के, क्योंकि बनेंगे तो नौ लेकिन उसमें से हमने सात लिखने, दो क्योंकि दे रखी, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए पहले, फिर लिखें रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक। लिखें रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर, अब ए जो सेट निकाला था वो तो लिखी दो जिससे मुझे क्लियरिटी आ जाए, माइनस वन जीरो और वन, और उसमें मैं वो नहीं लिखूँ माइनस वन जीरो और वो, तो भाई माइनस वन वन है क्या, नहीं है ना, तो माइनस वन वन लिखो, फिर जीरो आपका वन हैगा, फिर अच्छा माइनस वन भी नहीं है, ठीक, और जीरो जीरो भी नहीं है, वन वन भी नहीं है, ठीक, और देखो क्या नहीं है इसमें, इधर का जीरो उधर का, भाई या तो एक काम करता हूँ पूरे एलिमेंट्स लिखता हूँ मैं, ठीक, फिर उसमें से हम उनको ड्रॉप कर देंगे, तरीका वही अपनाएंगे हम अपना, ठीक। ए क्रॉस ए में पूरे ही लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे गलती आप कर दोगे डेफिनेट है, तो माइनस वन ठीक, उसमें से बाद में ड्रॉप कर देंगे, तरीका ये बेस्ट है, उसमें केवल वो लिखने में गलती कर सकते हो, सही मेथड है लेकिन गलती ना हो जाए। फिर आपका भाई ज़ीरो माइनस वन, फिर ज़ीरो में उसी स्टाइल से चल रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया, एक एलिमेंट पकड़ो सबको उसका ऑर्डर पेयर बना दो और फिर नेक्स्ट पे आओ। मैंने क्या करा है, माइनस वन पकड़ के माइनस वन ज़ीरो वन, फिर ज़ीरो माइनस वन वन, फिर वन माइनस वन ज़ीरो, और आपका वन के साथ मैपिंग करूँगा, ठीक। सो ये आपका माइनस वन हो गया, माइनस वन ज़ीरो हो गया, माइनस वन वन हो गया, ज़ीरो माइनस वन हो गया, ज़ीरो ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो वन हो गया, ठीक। अब बचा है लास्ट वन का माइनस वन से, और फिर वन का ज़ीरो के साथ, और वन का वन के साथ। अब इसमें जो जो दे रखे हैं ना उनको ड्रॉप कर दो, एक तो घटा एक ज़ीरो दे रखा है ये आपका ऑलरेडी है, और ज़ीरो वन कहाँ गया हमारा, ये रहा। इन दोनों को छोड़कर जो सात बचे हैं वो लिख दो, देयरफोर रिमेनिंग एलिमेंट्स वो आपके आ जाएंगे, रिमेनिंग ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं अच्छा लग रहा, ऑर्डर्ड पेयर लिखो,
ordered pairs, ठीक, तो वो क्या क्या है देखो आपके, माइनस वन माइनस वन, माइनस वन वन, जीरो माइनस वन, जीरो जीरो, वन और माइनस वन, और भाई वन जीरो। तो देखें जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तब हमें रियलिटी पता लगती है कौन सा बेस्ट मेथड है। तो एक रॉ से में रिमेनिंग को ढूंढना उससे बेटर है एक रॉ से बना लो, जो ये दो एलिमेंट दे रखे हैं इनको ड्रॉप करके उसको लिख दो आपका आंसर। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्टरी, जो उसकी ऑर्डर पेयर कार्टिजन प्रोडक्ट वगैरह के ऊपर दे रखी थी आपकी सेट्स रिलेशंस फंक्शंस की। अब अगली बार हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में 11th क्लास का। ठीक, तो आप इसको इतने ओके कर लें क्योंकि रिलेशंस इसके ऊपर थोड़ा सा बेस्ड अपॉन है, इनकी जो टर्मिनोलॉजी है आपको थोड़ा ध्यान रहे, कार्टिजन प्रोडक्ट का ही काम है उसमें जो है। ठीक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, नेक्स्ट टाइम करेंगे। जय गणेश।